जय माता दी। भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास का द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनि जनों, उस तपस्वी के उन वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे विप्र, मैं माघ मास के स्नान के फल को नहीं जानता हूँ, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। राजा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, अब सूर्योदय होने वाला है, अतः इस समय स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। यदि कथा प्रसंग में समय नष्ट हो गया तो तुम्हारा यह एक शुभ अवसर समय हाथ से निकल जाएगा। इस समय मेरी बात मानकर तुम स्नान करो और घर लौटने पर अपने कुलगुरु वशिष्ठ से इस प्रसंग को पूछ लेना। इतना कह तपस्वी स्नान करने चले गए। राजा ने उनके वचनों को हृदय में धारण कर अपने साथियों सहित सरोवर में स्नान किया। प्रातः होने पर राजा अपने राज्य में पहुंचे। उनके मन में तपस्वी के शब्द गूंज रहे थे, अतः राजा दिलीप शीघ्र ही सुंदर वस्त्र और आभूषणों को पहनकर अपने सुयोग्य मंत्रियों को साथ लेकर महल से निकले। बंदीजन राजा की स्तुति गाने लगे। राजा योग्य उपहार लेकर गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर चले। वहां पहुंचकर उसने श्रद्धापूर्वक गुरु को नमस्कार किया और साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राजा का यथोचित सत्कार करके आशीर्वाद दिया और कुशल पूछी। वशिष्ठ जी के सन्मुख बैठकर राजा ने आदर से अपना सिर झुकाकर बड़े ही विनीत स्वर में उनसे यह कहा, हे भगवान, मैं आपकी कृपा और आशीर्वाद से पूर्णतया प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा मैंने आचार दंड नीति राजधर्म एवं चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की समस्त क्रियाएं दान विज्ञान यज्ञ व्रत उपासना आदि विधियों सहित भगवान विष्णु के पूजन की समस्त बातों को विधि विधान से सुन लिया है। आज एक तपस्वी ने माघ महात्म एवं स्नान की बातें सुनाकर मेरे दिल में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। अतः हे नाथ, आप कृपा करके मुझे इस माघ मास का महात्म्य सुनाएं। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न है। तुमने समस्त जीवों को सुखी बनाने वाला प्रश्न किया है। माघ मास परम पवित्र मास है। जो मनुष्य गौ पृथ्वी तिल वस्त्र स्वर्ण अन्न आदि अन्य उत्तम दानों को बिना किए ही स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, वह इस माघ मास में स्नान करके स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। माघ मास में स्नान द्वारा प्राणी सीधा वैकुंठ हो जाता है। जो व्यक्ति रात्रि तक कृच चंद्रायण एवं पराक व्रत के द्वारा अपना शरीर सुखाना नहीं चाहते परंतु मन में स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें माघ मास में स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में होम और दान, कार्तिक मास में तप पूजन होते हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने का विशेष प्रभाव है। जो प्राणी बिना यज्ञ दान होम किए यदि स्वर्ग जाने की इच्छा करे तो उसे माघ मास में नदी सरोवर आदि में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। माघ स्नान का फल कामदेवनु के समान है। विद्वान पुरुषों का कथन है कि माघ स्नान करने वाला प्राणी अनंत फल प्राप्त करता है, वह राजा होता है। माघ स्नान चाहे सकाम हो, चाहे प्रजा के लिए अथवा हरि भगवान के लिए हो और चाहे किसी निमित्त हो, माघ स्नान करने वाला अनेकों फलों को प्राप्त करता है। मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर अदिति ने 12 वर्ष तक माघ स्नान किया। इससे त्रिलोकी ने उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र प्राप्त किए। इससे त्रिलोकी में उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र प्राप्त किए। माघ स्नान के प्रभाव से ही अरुंधति सुभगा स्वर्ग को गई और सची परम रूपवती होकर स्वर्ग में राज करती थी। अनेकों प्राणियों ने जिन्होंने माघ स्नान किया है और नियमों का पालन किया है, उसने सुंदर अप्सराओं के नृत्य, गंधर्वों के संगीत एवं वाद्य यंत्रों से गूंजित वेद पाठी ब्राह्मणों की वेदी ध्वनि से मुखरित परम पवित्र लोक में स्थान पाया है। जिन मनुष्यों ने माघ स्नान के साथ दान किया है और प्रिय वस्तु का त्याग किया है वे भाग्यशाली हैं। माघ स्नान के प्रभाव से अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है। इसके स्नान करने
बाला प्राणी सहजी उन लोगों को प्राप्त करता है जो ज्ञानी तपस्वी और भगवान की आराधना करने वाले प्राप्त करते हैं। दान के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने वाले प्राणी पुण्य क्षीण होने पर पुनः लौट आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले कभी नहीं लौटते, वे सदैव वैकुंठ वास करते हैं। माघ स्नान करने वाले प्राणी यदि दूध देने वाली गौ का दान करता है तो वह उतने वर्ष स्वर्ग में निवास करता है जितने गौ के शरीर में रोम होते हैं। जो प्राणी माघ स्नान के पश्चात गुड़ तिल का दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल का दान पाप नाशक है और उसको दान करके प्राणी निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य माघ स्नान करके ब्राह्मणों को जूता और कमंडल दान देता है, वह भोजन कराता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। हे राजन, जो पापी माघ स्नान के साथ दान करता है उसे सदगति प्राप्त होती है। पितरों के तर्पण से प्राणी वैकुंठ पाता है। दान के द्वारा प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग मिलता है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को माघ मास में यथाशक्ति दान करना चाहिए। जैसे आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से, उसी प्रकार तप की शोभा दान से है। यह पावन प्रसंग भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा है। उनके अनुसार माघ मास में अधिक दान करना चाहिए। बोलो भक्त और भगवान की जय। भक्तों, यह था माघ मास का द्वितीय अध्याय। भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास का तृतीय अध्याय। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को क्या उपदेश दिया था उन सबको जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, सो कृपा कर मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से व सूखा के कारण प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। तप और वेद पाठ भी रुक गए। पृथ्वी पर फल फूल अन्न और जल का पूरी तरह हवा हो गया। तब भृगु, जो अपने आश्रम को त्याग कर अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर चले गए थे, वहाँ कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर मणि पर्वत के नीचे के भाग में स्फटिक शिलाएँ हैं। मध्य की शिलाएँ नीलकंठ पक्षी के समान हैं। अपने एक ऐश्वर्य के कारण यह शुक्ल नीलकंठ की भांति शोभायमान था। उसके नीचे स्वर्ग मेखला थी। इस छवि के कारण वह पीतांबरधारी कृष्ण की तरह शोभित होता था। उसमें से एक दिव्य ज्योति निकलकर आसपास के वातावरण को शोभायमान करती रहती थी। पर्वत की कंगराओं से किन्नरियां तान उड़ाती घूमती रहती थी। सूर्य की किरणें पड़ने पर पर्वत की शिलाओं से इंद्रधनुष के रंग की किरणें दिखाई देती थी। इस मनोहर छवि वाले पर्वत के नीचे भाग में विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ मृदु घास पर विहार करते थे। पर्वत पर बनी रमणीय गुफाओं में संसार का त्याग कर आए हुए महात्मा दिन रात तपस्या करते थे। उस पर्वत की कंदराओं में बैठकर महात्मा रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए महादेव जी का भजन करते थे। चारों ओर का वातावरण सुंदर एवं शांत था। झरनों से गिरने वाला जल कलकल की शब्द करके बहता रहता था। उस पर्वत की कंदरा में हाथी अपने बच्चों के साथ दिखाई देते थे। प्रत्येक पशु पक्षी मानो हर बोलियां बोलते थे। देव यज्ञ अप्सरागण किन्नर आदि विहार करते थे। राजा ने पूछा, हे मुनि, यह पर्वत राज बहुत ही आश्चर्यजनक है, वह कितना ऊंचा और कितना विशाल है। वशिष्ठ जी बोले, यह पर्वत 26 योजन ऊंचा है। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष तथा उत्तम लताएं शोभा पाती हैं, क्योंकि भृगु जी पृथ्वी पर दुर्भिक्ष पड़ जाने के कारण उस पर्वत पर गए थे। अतः उस पर्वत के वातावरण को देख अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी पर निवास करने का विचार किया। एक सुंदर कंदरा में वे निवास करने लगे और भृगु जी तपस्या करने लगे। भक्तों, यह था माघ मास का तृतीय अध्याय। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।